हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल पाथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सितंबर 2021 में पब्लिश और रिलीज्ड बुक्स एंड उनके ऑथर्स। ये बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 9th वीडियो है। पार्ट 1 to 8 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर लगे आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे कम्प्लीट कर सकते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरी सभी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स हम मंथली वाइज कम्प्लीट कर रहे हैं, जिससे आपको मेरी सभी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट बुक से। फर्स्ट बुक जिसका टाइटल है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ। ये बुक जिसके ऑथर हैं एंजेलिना जॉली एंड गार्डलैंड वैन ब्यूरन। ये बुक एंजेलिना जॉली एंड गार्डलैंड वैन ब्यूरन दोनों के द्वारा ज्वाइंटली लिखा गया है। एंजेलिना जॉली जो कि हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं एंड गार्डलैंड वैन ब्यूरन जो कि इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। इस बुक में यंग पीपल एंड चिल्ड्रन को उनके राइट्स को लेकर अवेयर किया गया है, और इसके साथ ही बताया गया है कि कैसे उनके राइट्स उन्हें लाइफ में हेल्थी बैलेंस्ड सेफ एंड स्टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है अ रूड लाइफ द मेमोर। ये बुक जिसके ऑथर हैं वीर सांघवी। वीर सांघवी जो कि इंडियाज़ मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने 1999 से लेकर 2017 तक हिंदुस्तान टाइम्स में वर्क किया है। उनका न्यू मेमोर जिसका टाइटल है अ रूड लाइफ, जिसमें उन्होंने अपने व्यूज़ एंड एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने इंडियन जर्नलिस्ट करियर इंक्लूडिंग हिज पर्सनल लाइफ एंड सेलिब्रिटीज़ एंड पॉलिटिशियंस की स्टोरी को भी शेयर किया है। इस बुक के पब्लिशर हैं पेंगुइन रैंडम हाउस। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है बैक टू द रूट्स। बैक टू द रूट्स बुक जिसके ऑथर हैं ल्यूक कोटिनो। ल्यूक कोटिनो जो कि सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कोच हैं, ये बुक एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के द्वारा लॉन्च की गई है। यह बुक इंटेंसिव रिसर्च पर बेस्ड है, जिसमें इंडिया के एंशियंट सीक्रेट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है गीता गोविंदा जे देवा डिवाइन ओडिसे। ये बुक जिसका ऑथर हैं उत्पल के बनर्जी। उत्पल के बनर्जी ये बुक जो कि लॉन्च की गई है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर श्री किशन रेड्डी गंगापुरम के द्वारा। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसका नेम है बुजुर्गों की बात देश के साथ, जिसका मेन एम है हमारे यूथ एंड एल्डर पर्सन के बीच इंट्रैक्शन को क्रिएट करना। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड दी हिंदी फिल्म गैंगस्टर। ये बुक जिसके ऑथर हैं उदय भाटिया, जिन्होंने ये बुक लॉन्च किया है 10th September 2021 को। ये बुक राम गोपाल वर्मा अनुराग कश्यप मनोज वाजपेयी विशाल भारद्वाज एंड सौरभ शुक्ला की गवाही है। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड। ये बुक जिसके ऑथर हैं धीरा खंडेलवाल। धीरा खंडेलवाल जो कि फॉर्मर IAS ऑफिसर एंड फेमस पोएट हैं, ये बुक जो कि रिलीज़ की गई है हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ये बुक एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूज़फुल है, जिन्हें की लॉज एंड न्यू वेंचर्स सेटिंग के लिए एनवायरनमेंट रिलेटेड रेगुलेशंस की नॉलेज है। इसके अलावा ये बुक स्टूडेंट्स लॉ रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बेनिफिट साबित होगा। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। ये बुक जिसके ऑथर हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि BJP MP हैं, ये बुक हाईजैक्ड इंडियन एयरलाइंस पैसेंजर्स इन अफगानिस्तान इन 1999 पर बेस्ड है। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है
ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ये बुक जिसके ऑथर हैं झुंपा लाहिरी, जिन्होंने यह बुक रिलीज़ किया है 17 सितंबर 2021 को। झुंपा लाहिरी, जो कि पुलित्जर प्राइज़ विनिंग नोटेड फिक्शन राइटर हैं, इस बुक में इन्होंने वर्क को एज अ ट्रांसलेटर हाईलाइट किया है। यह बुक 2021 में आउट की जाएगी। यहाँ पर आपको याद रखना है, इस बुक के पब्लिशर हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर प्रभलीन सिंह, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। यह बुक जो कि गुरु तेग बहादुर की 40th बर्थ एनिवर्सरी पर हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इस बुक में सिख यूथ इन इंडिया की 100 इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज हैं। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है द थ्री खान्स एंड द एमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया, इस बुक के ऑथर हैं कावरी बामजाई, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इस बुक में तीन खान्स, जो कि हैं आमिर, शाहरुख एंड सलमान खान के जुड़े हुए करियर को दिखाया गया है। नेक्स्ट न्यू नोवेल टाइटल, जिसका टाइटल है 400 डेज, ये एक नोवेल बुक है जिसके ऑथर है माइक वॉच। ये बुक रिलीज़ की जाएगी चेतन भगत के द्वारा ऑन 8 अक्टूबर 2021 को। यह इनकी थर्ड नोवेल बुक है। इस नोवेल बुक में टेल ऑफ सस्पेंशन, ह्यूमन रिलेशनशिप, लव, फ्रेंडशिप एंड अबव ऑल मदर डिटरमिनेशन को दिखाया गया है। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है, ये एक ऑडियो बुक है जिसका टाइटल है जंगल नामा, जिसके ऑथर हैं अमिताभ घोष। ये बुक अमिताभ घोष की ऑडियो बुक है जिसमें म्यूजिक एंड वॉइस है US बेस्ड अली सेलजी का। इस बुक में कविता के माध्यम से आर्टिस्ट सलमान तूर के स्टनिंग आर्टवर्क के साथ सुंदरम के वंडर को दिखाया गया है। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, इस बुक के ऑथर हैं विजय गोखले, जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रह चुके हैं। यह बुक एक प्रैक्टिशनर को उनकी स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स एंड टूल्स को लेकर गाइड करती है, जो कि चाइना द्वारा डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, यह बुक जिसके ऑथर हैं निरुपमा राव, जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं। इस बुक में इन्होंने इंडिया एंड चाइना के बीच डिस्प्यूट को दिखाया गया है कि कैसे इंडिया एंड चाइना के बीच डिस्प्यूट ओरिजिन एक हिस्ट्री का पार्ट बनती है, जो उनके टूटे हुए रिलेशंस का बेस बनती है। नेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है द बैटल ऑफ रीजंग ला, इस बुक के ऑथर हैं कुलप्रीत यादव। इस बुक में 120 इंडियन सोल्जर की स्टोरी है, जिन्होंने 1962 के इंडिया चाइना वॉर में 5000 स्ट्रॉन्ग चाइना सोल्जर्स के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी, जिससे एंटायर लद्दाख रीजन पर कब्जा हो गया। इस बुक के पब्लिशर हैं पेंगुइन रैंडम हाउस वीर इम्प्रिंट। नेक्स्ट और लास्ट बुक जो कि एक मेमोर है, जिसका टाइटल है द सीक्रेट्स टू बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ, इस बुक के ऑथर हैं इंदिरा नुई। इस 313 पेजेस की बुक में इनकी जर्नी की स्टोरी है, जो अमेरिका में बसने, बोर्ड रूम पर बातचीत करने, वर्क एंड फैमिली लाइफ बैलेंस करने एंड वर्क प्लेस के लिए पैंडमिक ने क्या किया। इट मीन्स इस बुक में इन्होंने अपना फुल एक्सपीरियंस शेयर किया है। यहाँ पर आपको याद रखना है, इस बुक के पब्लिशर हैं हर्शेड इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये थे सितंबर 2021 में पब्लिश और रिलीज हुई बुक्स एंड उनके ऑथर्स। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरी सभी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप नीचे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ में हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पार्ट 10th वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।